सो हे गाइस यार, जो आज की इस वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। अच्छा, और यदि आपके पास में एक फोन है गजब बेइज्जती है। तो फ्रेंड यार, जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अच्छा फ्रेंड, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज की जो वीडियो है पूरा जरूर देख लेना, आपको खुद पता चलने वाला है। तो अरे कहना क्या चाहते हो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शेयरिंग वाले एप्लीकेशन होते हैं, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा होने वाला है। और फ्रेंड यार, जो हमारे ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन होते हैं, फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे वगैरह, इनमें से जो सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, सबसे सिक्योर एप्लीकेशन कौन सा है, या फिर ये कि जो आप बहुत सारे एप्लीकेशन मूवी देखने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे एमएक्स प्लेयर या प्लेड वगैरह, या कोई भी जो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, मूवी वाले एप्लीकेशन होते हैं, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। तो फ्रेंड यार, सारा का सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो हाँ गाइस यार, मेरा नाम एहसान है और आप देख रहे थे टेक टू एहसान चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शेयरिंग एप्लीकेशन की। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे शेयरिंग एप्लीकेशन होते हैं वो आजकल के समय में बहुत ज़्यादा हमें, मतलब, ढूंढना पड़ता है, और जो उनकी स्पीड है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाती है। जो पहले का जेंडर एप्लीकेशन था फ्रेंड, वो सभी के पास में देखने को मिल जाता था। बट फ्रेंड, अभी प्रेजेंट में आपको ऐसे कम एप्लीकेशन मिलेंगे जो दूसरे अदर फोनों में भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यार, जो इंडिया का एक एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करो एप्लीकेशन। तो फ्रेंड यार, जो एप्लीकेशन है इसमें भी हमें जो स्पीड है अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, 3 से 5 तक के MPPS की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसकी जो अच्छी खास बात है, तो फ्रेंड ये मेड इन इंडिया है। तो फ्रेंड यार, शेयरिंग एप्लीकेशन ये हो गया। और फ्रेंड आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे मूवी वगैरह देखने के लिए हम जिन यूज़ करते हैं, जैसे कि MX प्लेयर हो गया, प्लेड वगैरह हो गया, या फिर जो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं आप मूवी देखने के लिए आप उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रेंड सबसे अच्छा एप्लीकेशन, तो फ्रेंड मेरे साइड से आपको सजेस्ट रहेगा प्लेड। तो फ्रेंड यार, ये इसे मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो पर्सनली मैं, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना शेयर किया जाए। तो फ्रेंड, प्लेड को भी आप गूगल से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यार, इसकी जो खास बात है, इसमें आप जो अपने फोन की जो वॉल्यूम है आप उसे एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हैं, मतलब कि यदि आपके फोन में कम आवाज़ वॉल्यूम आती है तो आप इसे थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उससे आपकी तेज़ आने वाली है। और फ्रेंड, इससे जो आपकी मूवी वगैरह है उसे लॉक कर सकते हैं और उसे जूम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें ये खास फीचर है। और फ्रेंड, इसे आप बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हैं, मतलब कि फ्रेंड आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अलग मूवी भी देख सकते हैं और बाकी के काम भी कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर में। तो फ्रेंड यार, अब बात कर लेते हैं जो हमारे ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर फोन पे हो गया। तो फ्रेंड, इनमें से आपके पास ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड यार, जो सबसे सिक्योर एप्लीकेशन है मैं मानता हूँ गूगल पे को। तो फ्रेंड यार, जो गूगल के साइड से आता है, और फ्रेंड ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे का यूज़ करिए। तो फ्रेंड यार, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती होगी, और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप बात कर लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन की, जो कि आपके फ़ोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड यार, यदि आपके जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी वीक है, और फ्रेंड आपको ज़्यादा, मतलब कि इंग्लिश में किसी से बात करना पड़ता है चैटिंग में, या फिर आप कोई वेबसाइट पढ़ रहे हैं मतलब हिंदी में, और उसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप। तो फ्रेंड, इसमें भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे ट्रांसलेट वाले एप्लीकेशन है उनमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। बट फ्रेंड यार, जो गूगल एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा अच्छा, एक और मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, इसमें आपको हिंदी से लेकर सारी की सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, ये जो एप्लीकेशन है गूगल के साइड से है। तो फ्रेंड, जो गूगल के एप्लीकेशन होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। तो फ्रेंड, गूगल का एप्लीकेशन गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड यार, आप बात कर लेते हैं हमारी एडिटिंग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड, एडिटिंग एप्लीकेशन बोले तो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन या फिर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड यार, फोटो के लिए मैं आपको ऑल इन वन एप्लीकेशन बता देता हूँ, जिसका नाम है PicsArt। तो फ्रेंड, PicsArt के पास आपके पास हो सकता है कि पहले से होगा, बट फ्रेंड नहीं है तो PicsArt आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप ऑल इन वन जो एप्लीकेशन ये कहलाता है, मतलब कि इससे आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। और फ्रेंड यार, वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आपको
लिंक की डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में देखने को मिल जाएगी। आपको बेस्ट एप्लीकेशन मैंने बताया है उस वीडियो में, वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग के लिए। यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वीडियो के लिए मैं एक और एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ जिसका नाम है काइन मास्टर, जो कि आपको पता होगा। तो फ्रेंड यार, जो काइन मास्टर है इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी प्रो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड म्यूज़िक की। तो फ्रेंड यदि आपको म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको म्यूज़िक सुनना है और आप एक एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं म्यूज़िक के लिए, तो फ्रेंड जो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन होता है म्यूज़िक के लिए वो उतना अच्छा नहीं होता है और जो उसमें हमें ऑनलाइन भी देखने को नहीं मिलते सॉन्ग, तो फ्रेंड मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा एप्लीकेशन जिसका नाम है गाना ऐप। तो फ्रेंड जो गाना ऐप है आपको गूगल प्ले स्टोर में फ्री देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें खास बात देखने को मिल जाती है, आपको जो गाना मतलब कि डाउनलोड करना है वो भी आप इसमें आराम से डाउनलोड करके रख सकते हैं। मतलब आपको एक गाना पसंद आ गया, आप उसे बार बार सुनना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं फेवरेट में, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड यार ये छोटी सी वीडियो आपको आई होप की पसंद आ रही है। अच्छा, और फ्रेंड यार अब बात कर लेते हैं हमारे सर्च इंजन की। तो फ्रेंड यार आपको जैसे कि आपने देखा होगा, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन लगते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, फिर आपके इंस्टाग्राम हो गया, फिर आप अमेजोन की बात कर लें या फ्लिपकार्ट की। तो फ्रेंड यार मैं आपको एक ऑल इन वन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसका नाम है गूगल गो। तो फ्रेंड यार और जो इसका साइज है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो फ्रेंड आपका जो फ़ोन है बहुत कम स्टोरेज लेने वाला, मतलब कि फ्रेंड यदि आपका स्टोरेज बहुत कम है फ़ोन का तो फ्रेंड गूगल गो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही जगह में। फ्रेंड इसमें आपको फेसबुक देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम देखने को मिल जाएगी, यदि आप शॉपिंग करने चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो फ्रेंड बहुत सारे एप्लीकेशन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप यार फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और फ्रेंड यार हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।